तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से आपका लैपटॉप और आप जिस अपने लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं या फिर आप कुछ गेम खेल रहे हैं वो सारे हो जाते हैं आपके स्लो। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई हाई सॉफ्टवेयर चलाते हैं किसी टाइप का या फिर हाई क्वालिटी गेम खेलते हैं वहां पे आपका सिस्टम हो जाता है काफी स्लो। दोस्तों तो ये सब सारी प्रोसेस क्यों बनती है, ये सारी प्रॉब्लम बनती है दोस्तों जंक फाइल की वजह से, कैशे फाइल्स की वजह से। तो कैशे फाइल्स दोस्तों हम कैसे लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसे अपनी कैशे फाइल्स को कर सकते हैं रिमूव। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि आप जब भी अपना मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको तरह तरह के एप्लीकेशन मिल जाते हैं जंक फाइल्स को रिमूव करने के, क्लीन अप करने के, बूस्ट करने के। तो ये सारी चीजें अपने लैपटॉप में नहीं मिलती है, और अगर लैपटॉप में चाहिए होती है तो दोस्तों तो इसके लिए आपको एंटीवायरस परचेज करना होता है। तो बिना परचेज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको कैसे मिलेगी दोस्तों, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म और ये रहा हमारा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप की मदद से हम सीखेंगे आज कि अपने लैपटॉप की और अपने डेस्कटॉप की कैशे फाइल्स को कैसे रिमूव करना है। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की है, जल्दी से देख लेते हैं हमारे इस डेस्कटॉप पे कैसे करनी है सारी फाइल्स को डिलीट। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पर ये रही हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन और ये रहा हमारा यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन। दोस्तों इस वीडियो में जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका प्रोसेस हो रहा है आपके लैपटॉप का स्लो और अगर आपका लैपटॉप काफी हैंग मारता है चलने में दोस्तों, ये प्रॉब्लम बनती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जंक की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आपके लैपटॉप में बन रहा है बहुत सारा जंक जिसकी वजह से आपका लैपटॉप हो रहा है स्लो, आप अपने लैपटॉप पे जल्दी वर्क नहीं कर पाते। कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो उस पर प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ जाती है और आपका लैपटॉप हो जाता है हैंग। तो दोस्तों इसी चीज को मैं रिमूव करने के लिए आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ और जल्दी से मैं आपको बताया तो बिना किसी देरी के, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको विंडोज का साइन मिलेगा और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। तो चलिए मैं आपको विंडोज 10 के बारे में पहले बताया था क्योंकि मेरी विंडोज 10 है। तो यहां से मैं करता हूँ दोस्तों अपना क्लिक, और यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरा एक आता है यहाँ पर सर्च करना होगा मुझे रन कमांड। तो यहाँ पे करूंगा मैं रन और कर दूंगा एंटर, ये खुल गया दोस्तों आपका रन कमांड। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आपका रन खुल जाता है यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च करना है फर्स्ट नंबर पर प्रीफेच, स्पेलिंग रहेगी दोस्तों PREFETCH, ये देखिए ये सामने लिखा हुआ है, इस चीज को आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। यहां पर कर दूंगा मैं इसको एंटर, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ये सारी मेरी खुल चुकी है दोस्तों यहां पर जंक फाइल्स। ये देखिए कितनी सारी जंक फाइल्स है, ये ही जंक फाइल्स हमारे सिस्टम को करती है लॉक जिसकी वजह से होता है हमें काम में प्रॉब्लम। इसको कर दूंगा मैं यहां सेलेक्ट, सेलेक्ट कैसे करना है दोस्तों, यहां से आप कर देंगे कंट्रोल ए, मतलब कंट्रोल के साथ आपको ए सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, फिर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा आपके लैपटॉप कीबोर्ड पर, उसको कर देना आपको क्लिक। जैसे यहाँ पर आया ये बता रहा है एक फाइल यहाँ पर, दोस्तों इस फाइल को आप डिलीट मत कीजिए क्योंकि ये जो एक फाइल बच जाती है एक दो फाइल्स, ये सिस्टम की डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं, इन फाइल्स को आप छेड़छाड़ ना करें क्योंकि ये आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती हैं। इसलिए जैसा ये बता रहा है स्किप, यहाँ से आप कर सकते हैं डू दिस फॉर करेंट आइटम्स, यहाँ से आप कर सकते हैं उसको स्किप। जितनी भी आपकी जंक फाइल्स थी जो कि आपके प्रॉब्लम कर रही थी आपके लैपटॉप में, वो सारी हो चुकी है यहाँ से डिलीट। चलिए दोस्तों वापस जाते हैं यहाँ पर, फिर से जाते हैं हम रन कमांड पर, दूसरा हमारा आता है ऑप्शन टेम्प का, TEMP दोस्तों इसका मतलब होता है टेम्परेरी फाइल्स। इसको मैं करता हूँ फिर से सिलेक्ट और यहाँ से करता हूँ कंट्रोल ए से सिलेक्ट और डिलीट, यहाँ से करता हूँ फिर से क्रॉस। अगला ऑप्शन आता है हमारा परसेंट टेम्परेरी फाइल्स का, ये देखिए दोस्तों जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। ये आता है मेथड ऑप्शन, यहाँ मिलेगी आपको खूब सारी फाइल्स, इसको कर देंगे आप सिलेक्ट और कर देंगे डिलीट। देखिए जो जो डिलीट होना था वो डिलीट हो चुका है, बाकी मैं इसको कर लूँगा यहाँ से स्किप। इसी की वजह से दोस्तों होता है आपका सिस्टम स्लो, और आप जब भी आप अपने इंपॉर्टेंट काम करते होते हैं उस टाइम पर जब ऐसी प्रॉब्लम बनती है तो हमें आता है काफ़ी तेजी से गुस्सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पे क्लियर नहीं कर सकते। तो दोस्तों कोशिश कीजिए जब आप अपना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ उसके पहले ये सारी फाइल्स को आप डिलीट कर चुके हों, क्योंकि आपका काम स्मूथली आपका हो सकेगा यहाँ पर। इसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है हमारा डिस्क क्लीनअप का, अब आपको रन कमांड पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा फोर्थ और लास्ट ऑप्शन आता है डिस्क क्लीनअप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको करना दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये देखिए मैंने डिस्क यहाँ पर टाइप किया और मेरा डिस्क क्लीनअप यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, इसको करता हूँ मैं यहाँ से क्लिक, ये बता रहा है मेरा सी ड्राइव, सी ड्राइव में ही दोस्तों सारा जंक फाइल आइटम होता है हमारा जितना भी होता है, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से ओपन, ये कैलकुलेट कर रहा है। ये देखिए दोस्तों इसने कैलकुलेट करके यहाँ बता दिया यू कैन यूज डिस्क क्लीनअप फॉर फ्री अप टू 20.2 GB,
मतलब इतना स्पेस है हमारी सी टैग में, इसमें से इतने स्पेस में से ये सारी चीज़ें ने यहाँ पर स्पेस ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, 0 बाइट्स और टेम्परी इंटरनेट फाइल्स। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट कर देना। देखिए सारी चीज़ सिलेक्ट नहीं करना, जो जो मैं कर रहा हूँ वही सिलेक्ट करना, वरना आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स यहाँ से उड़ सकती है। विंडोज एरर रिपोर्ट ऑफ फीडबैक ये करना है, ये कैशे फाइल्स करनी है 194 KB की। ऑप्टिमाइजेशन फाइल नहीं करनी दोस्तों, अगर आपको रिसाइकल बिन डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी फाइल डिलीट करूँ, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मेरी रिसाइकल बिन में होती हैं, जो कि मैं उसको ओवरराइट कर सकता हूँ दोस्तों, उसको मैं इजिली रिस्टोर कर सकता हूँ और अपने काम को कर सकता हूँ। यहाँ पर आते टेम्परेरी फाइल्स, इसको आप कर सकते हैं क्लिक, और थंबनेल्स पर दोस्तों, थंबनेल्स मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी थंबनेल्स में इंपॉर्टेंट फाइल्स डली हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर थंबनेल्स कर सकते हैं, यहाँ पर आपके सारा जंक आइटम हो सकता है दोस्तों। अब मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। क्लीन अप सिस्टम फाइल्स नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से आपका पूरा जावा सिस्टम उड़ जाएगा, पूरा प्रोग्रामिंग उड़ सकती है, यहाँ करना पड़ेगा आपको ओके। जैसे आप कहेंगे आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, मैं कहूँगा डिलीट फाइल्स। ये हो रहा है मेरा क्लीन अप दोस्तों, जैसे ये क्लीन करूंगा इसके बाद मेरा सारा जंक फाइल्स यहाँ से चला जाएगा और मेरा सिस्टम हो जाएगा काफ़ी स्मूथ। अब देखिएगा दोस्तों कितनी स्पीड में काम करेगा ये देखिए ये कितनी स्पीड में काम करने लगा है, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये आपकी वीडियो पसंद आती है और ये आपके काम में आती है ऐसी वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर बार मैं ऐसे ही यूजफुल और फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लेके आता रहता हूँ, ये आपके लिए मददगार रहेगा दोस्तों हमेशा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।